हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मछली की बिल्कुल न्यू रेसिपी, और ये बहुत ही कम सामान में बन के रेडी होगा। और ये स्पेशली आम आम से ही बनेगा। इसको बोलते हैं ज़्यादातर हम उड़ीसा में, इसको माछा खट्टा बोलते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं मछली में थोड़ा सा हल्दी और नमक दे के इसको मैरिनेट कर लूँगी। और इस गर्मी में इस तरह का रेसिपी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम तेल और मसाला डाला जाता है, और इतना ही तेल में हमारा मछली करी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहीं पर हम मछली को हाफ फ्राई कर लेंगे अभी से। इसको एक मिनट के बाद मैं पलट रही हूँ, और गैस का फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। सच मानिए दोस्तों, इस तरह का मछली करी बहुत बढ़िया लगता है, स्पेशली इसको चावल के साथ खाने में ये बहुत बढ़िया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मछली को मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इस तरह से हाफ फ्राई कर लिया है, और उसमें मैं डाल दूँगी 3 सूखा लाल मिर्च, और हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं सिलेरी सीड्स, बंगाल में इसको बोलते हैं रांधुनी। तो इसमें, इस सब्जी में ये छोंक बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर डालिएगा इस सिलेरी सीड्स। तो यहाँ पर मैं डाली हूँ 2 कच्चा लंका, और हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ लहसुन, और यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ कड़ी पत्ता, ये बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर डालिएगा। तो इतना ही मसाला इसमें पड़ता ही है। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैंने एक जो आम दिखाई थी उससे मैं आधा ले रही हूँ, वरना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ ग्रेवी के अनुसार नमक और हल्दी। अब यहीं पर डाल दूंगी मैं पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही डालिए। और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, क्योंकि इसमें हमारा जो आम है वो कच्चा है, वो थोड़ा पकेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पर डाल रही हूँ सरसों का पेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहीं पर 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ सफ़ेद सरसों का पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिला देंगे, और हाई फ्लेम में इसको हम 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखिए बहुत झटपट से ये बन के रेडी हो जाता है, बहुत कम सामान से ये बनता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारा मछली में उबल आ गया है। अब 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ, देखिए मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, हमारा मछली करी बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, और आम भी अच्छी तरह से गल गया है। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखिएगा। तो यहीं पर मैं डाले थोड़ा सा कच्चा तेल, मैं यहीं पर थोड़ा सा सरसों तेल डाल ली हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब गैस का फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। देखिए कितनी कम सामान में हमारा मछली करी बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ज़रूर बनाइएगा, और इस गर्मी में इस तरह का रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसको आप चावल के साथ खा सकते हो, और इसमें थोड़ा सा कांचा लंका जो होता है उसको डाल के खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ।